सुबह देर तक रजाई में दुबके रहना, धूप में रखकर कीनू खाना और रात को चूल्हे के सामने बैठकर हाथ सेकने के अलावा एक और चीज है जिसके लिए मैं सर्दियों का इंतजार करती हूँ, जानते हैं कौन सी? मिट्टी की कुंडी में कूट कर बनाई काचर की चटनी। आपको पता है काचर और इसकी चटनी के बारे में? चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा, लेकर आई हूँ स्लो पॉडकास्ट पर अपना खास शो बातें रेगिस्तान की। इस शो में मैं करूँगी ढेर सारी बातें, बातें मेरे गांव की, मेरे रेगिस्तान की, यहाँ के तीज त्योहारों की, लोगों की, खान पान की। इस एपिसोड में मैं बताऊंगी अपने रेगिस्तान के खट्टे मीठे फल काचर के बारे में कुछ खास बातें और अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें भी। हम रेगिस्तान वालों के लिए ना अक्टूबर और नवंबर ये दो महीने बड़े प्यारे होते हैं। एक तो गर्मी से राहत मिलती है, दूसरी खुशी की बात सावनी की फसल। सावनी समझते हैं ना, वो फसलें जो सावन के महीने में बोई गई थी, जैसे कपास, नरमा, गवार। इन्हीं फसलों में बिना बोए उगती हैं काचर की बेलें। इस मौसम तक वो बेलें भी छोटे छोटे चितकबरे फलों से लद जाती हैं, हल्के हरे रंग में गहरे हरे धब्बे वाले फल। कहावत भी तो है, दियाली का दिया दिख्या काचर बोरिया होया मीठा, यानी दिवाली के दिए दिख गए मतलब काचर और बेर भी मीठे हो गए, आ गया उनके पकने का समय। अब आप सोच रहे होंगे कि पक गए तो बस खेत जाना है और तोड़ लाने हैं काचर। तो मैं आपको बता दूं, रेगिस्तान में इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ के अपने कुछ नियम है भाई। तो काचर के मामले में नियम कुछ ऐसा है कि ये साहब बड़े छुपे रुस्तम टाइप के हैं, छुप कर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि खेतों की मेड़ पर मिल जाएंगे, काचर चाहिए तो एकदम मैदान में, मेरा मतलब गवार में या कपास में उतरना पड़ेगा, बूटों के बीच खोजना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा काचर आते हैं चुगारों के हिस्से में। चुगारे यानी वो लोग जो कंधे पर झोली लटकाए कपास के बूटों से फाहे निकालते हैं। शाम को तोला जाता है किसने कितने किलो कपास चुगा। वैसे हल्के फुल्के कपास के गठरी में कुछ काचर भी डाल दिए जाए और फिर तोला जाए तो आइडिया अच्छा है, बचपन में मुझे भी आया था। याद है मुझे अपनी वो शरारत, वो भी जो चोरी पकड़े जाने के बाद हुआ था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि मैं जाया करती थी खेत अपने बाबा के साथ, बाबा यानी दादाजी। हाँ, तो खेत में चुगारे लगे होते और मैं बाबा के साथ मेड़ पर बैठी रहती। वो लोग हंसी मजाक करते, गाते गुनगुनाते दिन भर रुई चुगते। शाम को तोलने का समय होता तो बारी बारी से अपनी गठरी कांटे पर टांग देते, वजन तोलने वाले कांटे पर। कांटा मोटी सी लकड़ी पर टंगा होता था और लकड़ी रखी होती थी दो पेड़ों के बीच में। उनकी खुशी देखकर, खासकर उस आदमी की खुशी देखकर जिसकी गठरी सबसे भारी होती, मेरा जी लल जाता। एक दिन मैंने भी बाबा से कह दिया, मुझे भी झोली चाहिए, मुझे भी रुई चुगनी है। अब बाबा तो मेरी हर शरारत हर फरमाइश में साथ ही रहते थे। हंसकर बोले, झोली तो बनानी पड़ सी। बनानी पड़ेगी तो बनाइए। मैं अपने फैसले पर एकदम अड़ चुकी थी। बाबा ने कहा, झोली बनाने भी ओढ़नी चाहिए। मैं झट से समझ गई कि वो इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं। ओढ़नी तो घर से लानी पड़ेगी, और घर से ओढ़नी लाना मतलब सबको बताना कि मैं भी चुगारों के साथ रुई चुगने वाली हूँ। मैं और बाबा दोनों समझ चुके थे कि सिचुएशन एकदम युद्ध जैसी बनने वाली है। हमने भी फुल प्रूफ प्लान बनाया इसको टालने का। पहले पहचाना कि हमारा दुश्मन कौन कौन हो सकता है। माँ, माँ कहेंगे रुई में कांटे लग जाएंगे। पापा, पापा कहेंगे थक जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। और दादी, दादी कहेंगी मान लेना इनकी बात। एक बार दुश्मन पहचान लिए गए तो अगला काम था इनसे बचना। हमने वो भी कर दिखाया। पापा काम से बाहर गए थे, माँ चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और दादी बात कर रही थी बाबा से। मैं चुपके से साल में गई और माँ की पुरानी ओढ़नी निकाल लाई। एक मिनट, साल तो पता है ना आपको? हम रेगिस्तानियों के घर में एक बड़ा सा कमरा जरूर होता है जिसमें सब रखा होता है। हाँ, सब सब बोले तो घी के बर्तनों से लेकर कपड़े लत्ते तक सब।
हाँ तो मैंने साल से उड़नी निकाली और सबसे बचते बचाते बाबा के खेत वाले झोले में डाल ली। पर यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, शुरू हुई थी। अभी तो मुझे फर्स्ट आना था, सबसे भारी गठरी मेरी होनी चाहिए थी। मैंने एक दिन पूरा दम लगाकर कोशिश भी की, कितने सारे काचर दिखे पर बिना तोड़े आगे निकलती रही। जल्दी जल्दी रुई चुगनी थी बस। पर शाम को जब गठरी तोली गई, मुश्किल से 5-7 किलो रुई हुई। सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। अगले दिन भी यही होता अगर मेरे सामने इतने सारे काचर ना आए होते। बहुत लंबी बेल थी, बहुत सारे काचरों से लदी हुई। मेरा जी ललचा गया। मैंने वहीं बैठकर सारे काचर तोड़े और अपनी झोली में भर लिए। उठने लगी तो महसूस हुआ कि झोली कितनी भारी हो चुकी थी। और यहीं चमका आइडिया। मैंने और रुई चुगी और उन्हीं काचरों के ऊपर भर दी। अब झोली भारी तो थी, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था कि इसमें काचर भी है। शाम को जब तोलने की बारी आई, मैं सबसे पहले जा पहुंची। जीत घोषित होने से पहले ही इतराना भी शुरू। मेरी झोली का वजन किया तो सब हैरान। सबसे ज्यादा तो अब भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा तो था कि सबको मुझ पर शक हो जाए। अब खाटी खाटी सोरम क्या किया है, यानी ये खट्टी खट्टी खुशबू किस चीज की आ रही है, बाबा ने पूछा। और मेरी झोली वही उलट दी। रुई के बीच से निकलकर नन्हे नन्हे काचर इधर से उधर लुढ़क रहे थे। सब खूब हंसे और उन काचरों के कारण मेरा नाम रख दिया काचर सी। काचर जैसा होने का मतलब होता है बहुत छोटा पर शरारती होना। काचर वाला किस्सा बहुत पुराना हुआ, लेकिन अब भी उन लोगों में से कोई मिलता है तो एक बार तो कह ही देता है काचर सी। अब जब काचर के बारे में इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो ये भी बता दूं कि कैसे बनती है इसकी चटनी। पहले मीठे दिखने वाले यानी जरा से पीले पड़ते काचर तोड़े जाते हैं, फिर उनको छीला जाता है। हर काचर को चक्कर देखा जाता है कि कहीं कड़वा तो नहीं। बाहर से मीठा दिखना और अंदर से एकदम कड़वा निकल जाना काचर के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ तो फिर मीठे मीठे काचर गोल गोल काट लिए जाते हैं, लहसुन और अपनी पसंद के मिर्च मसाले डालकर कुंडी में चटनी कूटी जाती है। अब चूल्हे पर सिकती गरम गरम रोटी हो और हो मक्खन, बस आप तैयार है रेगिस्तान का ये स्वाद चखने के लिए। मुझे हमेशा से चटनी ही ज्यादा पसंद है, लेकिन पापा को पसंद है ओलनिया। ओलनिया कहते हैं काचर की उस सब्जी को जो बेसन का आटा डालकर बनाई जाती है। माँ ये सब्जी हमेशा मिट्टी की हांडी में बनाती है। अगर बेसन न डालना हो तो गुड़ की डली डालकर भी काचर की सब्जी बनती है। दोनों में ही उंगलियां चाटते रह जाना पक्का है। अब जब काचर की सब्जी चटनी सब खा खा कर मन भर जाता है, तो दादी बनाती है काचरी। काचर को छील कर गोल गोल काट कर धागे में पिरो देती हैं, यानी काचर की माला बना देती हैं। मुझे बचपन से ही बड़ी प्यारी लगती है ये माला, लेकिन दादी ना तब छूने देती थी ना अब छूने देती हैं। इसे मोतियों की माला की तरह संभालती हैं वो, मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा। तो दादी खुद अपने हाथों से ही इसे कुछ दिन धूप में सुखाती हैं। एक बार काचर सूखे और बन गई काचरी। अब जब काचर खत्म हो जाएंगे तो काचरी काम आएगी, चटनी भी बनेगी और सब्जी भी। हरा धनिया डालकर बनाई काचर की चटनी मेरी तो फेवरेट है। सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। काचर की चटनी, सुना आपने, चटनी बन गई है। तो अब मुझे जाना होगा। जाने से पहले आपको काचर से जुड़ी एक और मजेदार बात बता दूं। काचर की एक ही बेल पर दो तरह के काचर लग सकते हैं, एक तरफ वाले खारे दूसरी तरफ वाले मीठे। मतलब जरूरी नहीं कि कुछ काचर मीठे निकल गए तो सब मीठे होंगे। बड़ा बेईमान किस्म का है यह फल, और इसी से बनी है ये कहावत काचर को बीज। काचर का बीज कहा जाता है उस आदमी को जिसका कोई भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अपने गांव की अपने रेगिस्तान की कुछ और प्यारी प्यारी बातें लेकर यही स्लो पॉडकास्ट पर।